हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंटिन्यूअसली आपको एडमिशन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और एमएससी एडमिशन्स के बारे में जैसे जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने पोर्टल्स ओपन कर रही हैं वैसे वैसे आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि कोई गैट बी के अलावा अगर एमएससी के एडमिशन्स हो रहे हो या विदाउट गैट बी, क्योंकि उनका गैट बी में स्कोर नहीं आ पाया था, उनका मेरे से रिक्वेस्ट था कि गैट बी के अलावा कोई एग्जामिनेशन बता दीजिए जिसके थ्रू हम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट के बारे में बताने वाला हूँ, यह है पीजीआई लखनऊ। आपको पता ही होगा कि पीजीआई चंडीगढ़ का फॉर्म निकल चुका है, बट पीजीआई चंडीगढ़ अपना एडमिशन जो होता है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का वो गैट बी के थ्रू लेता है, बट जो पीजीआई लखनऊ है वो गैट बी के थ्रू एडमिशन्स नहीं लेता, वो अपना ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे पीजीआई लखनऊ में एडमिशन्स अनाउंस हो गए हैं बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको उन सभी कोर्सेज के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और बहुत ही अच्छे कोर्सेज यहाँ पर होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं। इस समय मैं sgpgiims.org.in की वेबसाइट के ऊपर हूँ। ये पीजीआई लखनऊ भी इसको बोलते हैं या संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी बोलते हैं। तो ये पीजीआई लखनऊ और पीजीआई चंडीगढ़ दोनों मतलब पीजीआई ही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो मन में मत सोचिएगा। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही ऑर्गेनाइजेशन है, आप कह सकते हैं मेडिकल कॉलेज है। अब नीचे आप इसके ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख सकता है SGPGI एडमिशन नोटिस, मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी। 30 तारीख को ही अपलोड हुआ था, बट क्योंकि कल पीजीआई चंडीगढ़ का आ रहा था तो मैं सर्च करने लगा तो इसके बारे में भी मुझे पता चला, तो मुझे लगा कि आप तक पहुँचाना चाहिए। अब जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आप यहाँ पर एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब इस नए पेज के ऊपर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिए और आपको एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा, ये डिप्लोमा एंड एमएससी वाला। फिर यहाँ पे हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है और यहाँ बिफोर यू अप्लाई करके दिया हुआ है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आपको डिप्लोमा एंड एमएससी वाले पोर्टल पे यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है आपके लिए, आप इसको जल्दी से देख लीजिए। तो ये SGPGI लखनऊ में है, रायबरेली रोड पे पड़ता है, ये इसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मेंशनड है और यहाँ पे डिप्लोमा एंड एमएससी प्रोग्राम्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी अलाइड हेल्थ साइंसेज के बारे में ये प्रॉस्पेक्टस दिया हुआ है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी कोर्सेज में यहाँ पे सीट्स है। तो एमएससी इन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी अच्छा कोर्स है यहाँ का, यहाँ पे 9 सीट्स है। अगर मैं मतलब मेरे मतलब अगर मैं चाहता कि यहाँ पे अप्लाई करना तो मैं इन कोर्सेज में कर सकता था, बाकी आप सभी की इसमें एलिजिबिलिटी देख सकते हैं और सब में अप्लाई कर सकते हैं या किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। मैं इन 3 कोर्सेज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एमएससी इन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे 9 सीट्स है, एमएससी इन जेनेटिक काउंसलिंग यहाँ पे 4 सीट्स है, एमएससी इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर भी 4 सीट्स हैं। इसके अलावा सार्क कंट्रीज़ से या जो फाइनेंस्ड स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स होते हैं सार्क कंट्रीज़ या गवर्नमेंट ऑफ UP, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी की यहाँ पे 4 सीट्स, डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए भी 4 सीट्स हैं उन कैंडिडेट्स के लिए। अगर मैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो 1000 रुपीज़ है लास्ट डेट। आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पे अप्लाई करना है क्योंकि जो लास्ट डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 26 जुलाई यहाँ पे दी हुई है। तो एंट्रेंस टेस्ट का जो डेट है वो 26 जुलाई दिया हुआ है। मैं वापस चल करके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर मैं बात करूँ तो 19 जुलाई है, देख सकते हैं आप 19 जुलाई लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड आपको 21 जुलाई तक अवेलेबल हो जाएगा ऑन और आफ्टर, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म ओपनिंग की डेट 29 जून थी, बट क्योंकि देर से पता चला इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो अब आगे चलते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आप फीस जो है वो नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। आप नीचे स्क्रॉल करके जाइए एमएससी का कोर्स के बारे में, तो 2 ईयर्स यहाँ पे है प्लस 6 मंथ्स का इंटर्नशिप होता है। और यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स में है, एमएससी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया था, जेनेटिक काउंसलिंग और एमएससी इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा बहुत सारे और कोर्सेज हैं, वो आप अपनी पसंद से देख सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर आप एमएससी इन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो बीएससी में ये डिसिप्लिन्स आपके पास होने चाहिए। काफ़ी वाइड एरिया है तो आपके पास ज़रूर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए आपके बैचलर्स के अंदर। 5% रिलैक्सेशन दिया जा सकता है फॉर सूटेबल कैंडिडेट्स। नीचे आता हूँ और डिस्कस करता हूँ एमएससी इन जेनेटिक काउंसलिंग, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, ये भी चेकआउट कर सकते हैं। और
फिर नेक्स्ट जो है MSc इन मॉलिकुलर मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशनड है, एलिजिबिलिटी डिटेल्स आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी डिप्लोमा कोर्सेज दिया हुए हैं, एज लिमिट यहाँ पे मेंशनड है कि अगर आप MSc कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम एज लिमिट 17 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स की हो सकती है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ी मैंने आपको बताया ही था, ₹1000 है। चेकलिस्ट आपको अपने पास यहाँ पे रखनी है, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, तो आपने फ़ीस पे कर दी है इसका प्रूफ होना चाहिए, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको एम्प्लॉयर से NOC, ईमेल आईडी और पासवर्ड उसका आपके पास होना चाहिए, करेक्ट ईमेल आईडी। इसके अलावा आपके पास स्टेट कोड, इन अपेंडिक्स वन में स्टेट कोड दिया हुआ है, वो भी दिखा दूंगा आपको। और एप्लीकेशन फ़ीस वंस पेड इज़ नॉट रिफंडेबल, याद रखिएगा, अगर आपने एप्लीकेशन फ़ी एक बार दे दी तो उसमें से कुछ भी आपको वापस नहीं मिलने वाला है। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन जैसा मैंने बताया था 21st या उससे पहले तक मिल जाएगा। सिलेबस अभी तक नहीं आया है, आप इसको बाद में चेकआउट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से। एग्जामिनेशन रिजल्ट इनके नोटिस बोर्ड पे और वेबसाइट पे आ जाएगा। इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूँ तो 50% यहाँ पे 50th percentile क्वालिफाइंग मार्क्स है MSc कोर्स के लिए, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। और ये सारी की सारी और कुछ कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो थोड़ा सा कॉस्टली है, फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट 53,250 है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर का 3,850 है, थर्ड सेमेस्टर का 37,750 है और फोर्थ का 38,350 है, तो कॉस्टली ज़रूर है लेकिन इंस्टीट्यूट अच्छा है। यहाँ पे इसमें अगर हम बात करें तो ये जो है ये हॉस्टल फ़ीस, यहाँ पे हॉस्टल चार्जेस इंक्लूडेड है, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा की फ़ीस यहाँ पे मेंशनड है। अब बाकी और आप चेकआउट कर सकते हैं। सैलरी कोई भी नहीं दी जाएगी ड्यूरिंग द कोर्स, क्योंकि ये GATB के थ्रू एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब आप डिजर्टेशन करेंगे यानी कि 6 महीने की जब आपकी ट्रेनिंग होगी लास्ट में, तो उसमें आपको स्टाइपेंड मिल सकता है गवर्नमेंट अगर डिसाइड करेगी तो। ये हो गया। अब यहाँ पे रिफ़ंड का सारा डिटेल दिया हुआ है कि अगर आपने कितने दिन पे, अगर आप चाहोगे रिफ़ंड लेना पैसों का तो आपको कितने दिन में कितना रिफ़ंड मिलेगा, ये मेंशनड है यहाँ पे। बाकी और मुझे नहीं लगता कि और कुछ भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ मुझे और बतानी है यहाँ पे कि ये देखिए, ये यूनियन टेरेटरीज़ एंड देयर कोड्स अपेंडिक्स वन, यहाँ पे अलग अलग यूनियन टेरेटरीज़ या स्टेट्स और उनके कोड्स यहाँ पे मेंशनड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और इनकी ज़रूरत पड़ेगी जब आप फॉर्म भरेंगे तो। कितनी सीट्स हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था, अलग अलग डिसिप्लिन की अलग अलग सीट्स यहाँ पे मेंशनड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। वापस अब फॉर्म कैसे भरना है आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे पहले न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए, ये फॉर्म भर दीजिए, रजिस्टर कर लीजिए और उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो लॉगिन करके आप फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद है कि ये डिटेल्स आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।